हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर सागर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 33 फीट बाय 33 फीट प्लॉट साइज में हमने एक नक्शा डिज़ाइन किया हुआ है। पूरा डिटेल में समझेंगे। इस प्लॉट में हमने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। तो ग्राउंड फ्लोर पर उनको चाहिए था एक सीढ़ियाँ, लिफ्ट और पार्किंग के लिए पूरा प्रोविजन। देन उसके बाद जैसे अपन फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो उनको लिविंग हॉल, 3 बेडरूम, कॉमन टॉयलेट, किचन, डाइनिंग स्पेस और बालकनी उनको चाहिए थी। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इस प्लॉट के सामने की तरफ मतलब पूरब की तरफ रोड का अप्रोच रहेगा, बाकी तीनों तरफ अदर ओनर प्रॉपर्टी है। तो वेंटिलेशन खुद के प्लॉट में एडजस्ट किया हुआ है। इसकी स्क्वायर फीट की बात करें तो 1079 स्क्वायर फीट आएगा और उसका 121 गज का प्लॉट रहने वाला है। चलिए गाइस, मैं भी आपको नक्शा दिखा देता हूँ किस तरह हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह हमने नक्शा डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो अपन ग्राउंड फ्लोर समझते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सामने की तरफ से यहाँ पे हमने 12 फीट वाइड का यहाँ पे मेन गेट दिया हुआ है। इससे अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी पार्किंग मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। यहाँ से हमने सीढ़ियाँ डिज़ाइन की हुई है, घूम के इस तरह ऊपर की मंजिल पर जा सकते हैं। यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन दिया गया है, उसकी साइज 5 फीट बाय 4 फीट 4 इंच रहेगी। तो इस तरह ग्राउंड फ्लोर का नक्शा था 33 फीट बाय 33 फीट में। और जैसे अपन सीढ़ी से ऊपर की मंजिल पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह हम इस लॉबी में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको 3.5 फीट वाइड की लॉबी मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मेन डोर रहेगा घर के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे लिविंग हॉल डिज़ाइन किया हुआ है 13 फीट बाय 10 फीट 1 इंच का। और यहाँ पे सीटिंग का पोर्शन हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आपके टीवी यूनिट रहेगा, यहाँ पे बालकनी मिल जाती है 3 फीट 8 इंच की वाइड की। और यहाँ पे हमने ग्लास का स्लाइडिंग डोर डिज़ाइन किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मार्किंग बताई हुई है, मतलब एक आपका कटआउट रहने वाला है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेन डोर से ही अपन को यहाँ पे एक और ओपनिंग मिलती है। यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस रहेगा, इसकी साइज 8 फीट 10 इंच बाय 8 फीट रहने वाली है। और विंडो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ हमने विंडो डिज़ाइन की हुई वेंटिलेशन के लिए। देन उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन मिलता है। किचन की साइज रहेगी 10 फीट बाय 8 फीट रहेगी। इसमें यहाँ पे पूरा एल शेप में किचन का वर्किंग प्लेटफॉर्म रहेगा। विंडो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डाइनिंग रूम के राइट साइड में यहाँ पे एक बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है, 12 फीट बाय 9 फीट 6 इंच का रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वाले बेडरूम में यहाँ पर आपका डबल बेड रहेगा, यहाँ पर आपकी अलमारी रहेगी और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए एक विंडो डिज़ाइन की हुई है। जैसे आगे चले जाते हैं यहाँ पे आपको ड्राइंग हॉल मिलता है। ड्राइंग हॉल से ही आपको यहाँ पे सेकंड नंबर का बेडरूम नज़र आता है। सेकंड नंबर के बेडरूम की साइज रहेगी 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच रहेगी। इसमें यहाँ पे हमने बेड डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे अलमीरा रहेगी। यहाँ पे पूरा बड़ा सा हमने डक दिया हुआ है, मतलब शाफ्ट दिया हुआ है। इसकी साइज रहेगी 7 फीट 7 इंच बाय 3 फीट रहेगी। इससे अपने बेडरूम को, इस वाले बेडरूम को, कॉमन टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ओपनिंग मिलती है सेकंड, जिससे अपन इस कॉमन टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइज 4 फीट 3 इंच बाय 8 फीट 2 इंच रहेगी। यहाँ पे वॉश बेसिन का प्रोविजन दिया हुआ है। उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमने बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है, 13 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का रहेगा। इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अलमेरा रहेगी, यहाँ पर आपका बेड रहेगा, यहाँ पर विंडो रहने वाली वेंटिलेशन के लिए। आप चाहे तो सेम ऊपर की मंजिल पर सेम बना सकते हैं। इस अगर आपको 33 फीट बाय 33 फीट के और भी डिज़ाइन देखने हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। इस डिज़ाइन को अपन ग्राउंड फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो किचन रहेगा यहाँ पे आ जाता है और सीढ़ियों का प्रोविजन यहाँ पे देंगे तो आपका ग्राउंड फ्लोर पे सेम 3 BHK आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों रिश्तेदारी के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।